गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो निबंध है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक ऐसी बुराई जो समाज के लिए एक ऐसा कलंक जिसमें महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, लड़कियों के लिए एक ऐसा विकृत रूप बनकर सामने आ रही है जिसके कारण परिवार में बेटी को सम्मान या बेटी को एक बोझ समझा जाता है। सबसे पहले भूमिका के इसमें दहेज शब्द या दहेज प्रथा एक ऐसी बुराई जो हमारे समाज में एक कुरीति का रूप, कुरीति बहुत बुरी बुरा रूप ले रही है और जिसके कारण कहीं ना कहीं समाज में आज के हमारे लोग जो हैं वो बेटी को एक बोझ समझने लगे हैं और जिसके कारण कहीं ना कहीं लड़कियों का महत्व कम होता जा रहा है। अब सबसे पहले दहेज प्रथा का अर्थ क्या है? दहेज प्रथा कि वह आशीर्वाद के रूप में दिया जाने वाला के समान या धन संपत्ति जो कोई माता पिता अपनी बेटी को विवाह के समय देते थे। ये सबसे पहले दहेज प्रथा का अर्थ क्या था कि प्राचीन काल में के माँ बाप जो थे, माता पिता जो थे, विवाह के समय अपनी बेटी को अपनी घर से विदाई के समय आशीर्वाद के रूप में कुछ धन या संपत्ति या कुछ सामान भेंट स्वरूप के वो सोचते थे कि हमारा आशीर्वाद जो है वो बेटी के साथ हमेशा रहे, तो इसलिए कुछ सामान जो था वो भेंट के रूप में उसको देते थे और जिसे दहेज प्रथा का नाम दिया गया। अब सात्विक रूप क्या था इसका? अब मैंने अलग अलग हेडिंग छोटी छोटी सी बनाई हुई है, इसको मैं स्पष्ट करती जा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं। इसका सात्विक रूप क्या था? सात्विक रूप था कि जो वास्तविक में इसको दिया जाने का कारण क्या था, केवल कि एक आशीर्वाद या एक भेंट स्वरूप कि बेटी जो घर में रहकर किसी दूसरे घर में अपना नया जीवन आरंभ करने जा रही है तो उसको माता पिता का आशीर्वाद के रूप में कुछ सामान साथ जाए तो कम से कम उसे अपने माता पिता का प्यार जो है वो हमेशा उसके साथ बना रहे, तो इसलिए उसे वह सामान दिया जाता था जिसका सात्विक रूप था एक आशीर्वाद और एक भेंट स्वरूप। पर विकृत रूप क्या हो गया? विकृत बिगड़ा हुआ रूप। बिगड़ा हुआ रूप इसका क्या बन गया कि लोगों ने इसको इस रूप में बिगाड़ दिया कि वो क्या सोचने लगे कि अपने लालच को, अपने उस लोभ को पूरा करने के लिए लड़की के माता पिता से कुछ मांग या इच्छा स्वरूप अपनी इच्छा के अनुसार उनसे सामान मांगना या उनसे कोई वस्तु मांगना जिसके कारण माता पिता के लिए अपनी बेटी, अपनी सुता जो थी, अपनी कन्या जो थी, न तो वो उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढ सके, न तो वो उनके लिए उसके लिए कुछ करने का सामर्थ्य रख सके, तो उनके लिए वो बेटी एक बोझ बन गई। इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है जो आज के समाज में आधुनिक रूप में हमारे सामने आ रहा है और वो क्या है कि जिसमें माता पिता के लिए अपनी ही बेटी एक बोझ बन जाती है और लोग जो है कि बेटी के माता पिता से कुछ सामान या कुछ वस्तु जो है वो मांगने की इच्छा रखते हैं जिसके कारण कि वो माता पिता को लगता है कि हमारी बेटी हमारे लिए एक बोझ समान है। हाँ जी, इसका नेक्स्ट जो है इसमें सबसे पहले दहेज प्रथा किसको कहते हैं? अब इसके कारण में दहेज प्रथा, मैंने छोटे छोटे से अलग अलग हेडिंग बनाई हुई है बेटा, आप उसको कंबाइन भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको अलग ही करना कि मैंने मेन पॉइंट के अंदर हमने कौन से शॉर्ट छोटे छोटे से सब पॉइंट लेने हैं उनका वर्णन किया है कि आपका निबंध 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिटेल में हो सके। दहेज प्रथा के कारण क्या है कि किन कारणों के कारण दहेज प्रथा जो है वो इस भयंकर रूप में, इस कुरीति के रूप में आज हमारे सामने है। कि सबसे पहला रूप इसका क्या है जिसको हम कह सकते हैं कि समाज में शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, कि शिक्षा के समाज में आज भी शिक्षा की कमी होने के कारण लोग इतने जागरूक नहीं हैं कि वो लड़का और लड़की के महत्व को समझ सकें और कुछ
एक ऐसे वर्ग जो सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा मान सम्मान अपना आदर जो है वो वस्तुओं से आंकते हैं। वो क्या समझते हैं कि जिसके पास जितना सामान है, वो चाहे कार हो, चाहे बड़े से बड़ा घर हो, टीवी सेट हो, कि वो केवल वस्तु या सामान को अपने आदर मान का हिस्सा मानते हैं, अपने समाज में मान प्रतिष्ठा का कारण मानते हैं। तो इन लोगों के कारण दहेज प्रथा जो है एक बुरे रूप में हमारे सामने आ रही है कि वो इस शिक्षा की कमी, अगर शिक्षा है तो इसमें शिक्षा क्या है कि शिक्षा की कमी, कि उनको ये नहीं पता कि लड़का लड़की बराबर के आज के समाज में या हमारे लिए माता पिता के लिए बराबर के योगदान देने वाले हैं। तो एक जब विवाह के समय लड़का लड़की का विवाह किया जाता है तो दोनों को बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए, पर लड़के या वर पक्ष के लोग क्या समझते हैं कि अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा अपनी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए वो लड़की वालों से कुछ वस्तु या कुछ सामान मांग रखते हैं। पहले जो था वो आशीर्वाद के रूप में अपनी इच्छा से दिया जाता था, अब जब कोई व्यक्ति उसी चीज को गलत रूप में लेकर मांगता है कि हमें तो हमारा लड़का इतना पढ़ा है तो हमारा लड़का तो बड़ा सा डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इसके लिए तो आपको कार देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपकी लड़की की शादी हो। तो जब ये मांग जो है मान सम्मान के साथ एक भयंकर या विकराल रूप ले लेती है तो वो दहेज प्रथा का कारण बन जाता है। अब सेकेंड पॉइंट इसी में आप ऐड कर सकते हो धन का महत्व, कि धन का महत्व कि कुछ समाज में कुछ ऐसे वर्ग या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो केवल धन को महत्व देते हैं, कि वो ये नहीं देखते कि लड़की शिक्षित है या नहीं, कि लड़की अगर डॉक्टर उनका बेटा है तो वो कई बार ऐसी ऐसी शादी करवाने से भी पीछे नहीं हटते कि जिनके कारण कि चाहे उन दोनों का वैवाहिक जीवन जो है आगे आने वाला जीवन सही तरह से चले या ना चले, कि वो अनपढ़ लड़की की भी सिर्फ धन के महत्व को समझते हुए, कि उनके लिए धन एक महत्वपूर्ण चीज है, वह शिक्षा या किसी और चीज को महत्व नहीं देते, जिसके कारण क्या होता है कि कई बेमेल विवाह कि अब लड़का पढ़ा लिखा है अनपढ़ लड़की पर वो लड़की वाले पैसे दे रहे हैं, तो पैसे के लालच में एक पढ़े लिखे योग्य लड़के का विवाह अयोग्य लड़की से करवा दिया जा रहा, तो ऐसे बेमेल विवाह करवा देते हैं जो समाज में धन का महत्व अधिक देते हैं, धन के अतिरिक्त किसी और बात को वो और महत्वपूर्ण नहीं समझते। अब नेक्स्ट में है प्रदर्शन और झूठी प्रतिष्ठा। अब इसके पीछे वो क्या, उनके पीछे भी एक मोटिव क्या होता है जो ऐसा वर्ग होता है कि प्रदर्शन दिखावा कि वो दिखावा झूठी प्रतिष्ठा झूठा मान सम्मान, वह सोचते हैं कि इस दिखावे से इस आडंबर को लोगों के सामने दिखाकर वो समाज में अपनी झूठी मान मर्यादा को बनाए रखना चाहती हैं, और वह चाहते हैं कि कम से कम सम्मान के लालच में हमें एक समाज में प्रतिष्ठा जो है वो प्राप्त हो जाए, और इस कारण उस प्रदर्शन के लालच में उस दिखावे के लालच में वो माता पिता से लोभ के कारण लालच के कारण के समान को समान या वस्तु की मांग या इच्छा रख देती है। अब कुछ नेक्स्ट है इसी में अगर आप ऐड करना चाहो सामाजिक प्रथा, प्रथा होता है रिवाज नियम, कि हमारे जो रीति रिवाज बने आ रहे हैं, कि अब ये भी एक पॉइंट है कि दहेज का कारण क्या है कि माता पिता जो है वो ये समझते हैं कि अगर कोई कह भी दे कि हम बिना दहेज के शादी करेंगे कि हमें गैरी सामाजिक प्रथा सामाजिक रिवाज या झूठी रीति रिवाज, कि अगर कोई कह भी देता है मान लो कि मुझे बिना दहेज की शादी करनी है, कि हम दहेज के रूप में कुछ नहीं आपसे मांगेंगे, पर फिर भी कि लोग जो माता पिता है वो ये समझते हैं कि समाज में हमारा क्या स्थान रहेगा अगर हम लड़की को विदाई के समय अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे, और जिसके कारण कई बार वो
कि किसी किसी बैंक से लोन लेकर या किसी जमींदार से पैसा लेकर के पैसे लेकर भी अपनी बेटी की विदाई करना जरूरी समझते हैं कि एक प्रथा या रिवाज के कारण जो एक भयंकर रूप ले लेती है कि लड़की की शादी तो हो जाती है पर माता पिता सारा आजीवन पूरा जीवन जो है वो कहीं ना कहीं कर्जे के बोझ में कर्जे के तले हमेशा ही डूबे रहते हैं। अब दुष्चक्र, दुष्चक्र क्या है कि समाज में वह वर्ग जो झूठी मांग या लालच के कारण कि किसी लड़की के माता पिता से इच्छा रखते हुए किसी सामान की या किसी वस्तु की मांग करता है तो कई बार उनकी मांगे बढ़ती जाती हैं और उन मांगों को पूरा न कर पाने के कारण वो एक माता पिता एक या लड़की जो है एक ऐसे दुष्चक्र में एक बुरे चक्र में फंस जाती है जिसका अंत जो है केवल आत्महत्या या मृत्यु ही मृत्यु को स्वीकार करना ही रह जाता है कि कई बार जो मांगने वाले हैं एक चीज दे दो तो उनका लालच जो है वो फिर भी समाप्त नहीं होता। वो सोचते हैं अब इन्होंने इतना दे दिया अपनी लड़की के कारण ये कुछ और मांग लिया जाए, फिर उनकी मांगे बढ़ने लगती हैं और उस मांगों के दुष्चक्र में बुरे चक्र में फंस कर माता पिता या लड़की जो है वो अपनी जान से हाथ धो ले देती है। कई बार उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, कई बार जला दिया जाता है। तो ये सब क्या है, दहेज प्रथा के ऐसे कारण जिसके कारण ये एक बुरा रिवाज या बुरा भयंकर रूप लेकर सामने आ रही है। अब इसी के कारण कारण हमने बता दिए, अब इसके दुष्प्रभाव कि इसके कारण क्या क्या बुरे प्रभाव जो है वो समाज पर पड़ रहे हैं। पारिवारिक विघटन, पारिवारिक विघटन के परिवारों का टूटना, विघटन टूटना। अब जब शादी हो जाती है विवाह हो जाता है तो दहेज प्रथा के कारण सबसे पहला दुष्प्रभाव जो है बुरा प्रभाव जो है वो क्या पड़ता है कि कई ऐसे वर्ग जो अधिक से अधिक मांग की इच्छा रखते हैं अधिक से अधिक वस्तु के लालच में माता पिता या लड़की को कुछ न कुछ लाने के लिए उकसाते रहते हैं तो उनकी मांगों को पूरा न कर सकने के कारण एक परिवार जो है वो विघटन के रूप में टूटने के रूप में तलाक के रूप में हमारे सामने आता है। तो कई परिवारों में तलाक का कारण केवल दहेज की मांग ही बन जाती है। पारिवारिक विघटन, परिवार का टूटना, ऋण का बोझ, ऋण कर्जे का बोझ ये किस पर पड़ता है, उन माता पिता पर जो अपनी लड़की को विवाह की बात चाहते हैं कि उसकी उनकी लड़की सुखी रहे तो उसकी ससुराल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो ना चाहते हुए भी एक ऐसे ऋण के बोझ के थले ऋण कर्जे के बोझ के थले दबते चले जाते हैं जिसे वे कभी भी उतार नहीं पाते और इस तरह एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता जाता है। निम्न जीवन स्तर के निम्न जीवन स्तर, अब जो लोग कर्ज ले रहे हैं जिनसे वो कर्ज नहीं उतरता तो वो अपना सारे जीवन स्तर के उनका रहने का जो गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है उनका इश्मित उनका जो जीवन का को रहने का तरीका है। जब ऋण का बोझ बढ़ता जाता है कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है तो क्या होता है कि वह वर्ग वह लोग जो है वह माता पिता जो है अपनी बेटी को सिर्फ विवाह के कारण कि उसको सुखी रखने के कारण वो क्या सारा जीवन एक ऐसे जीवन स्तर को बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि जिसे शोचनीय या निम्न माना जाता है। नारी की शोचनीय दशा तथा अत्याचार, दहेज के लोभी कुछ लोग नारी की दशा या महिला को सम्मान या औरत को सम्मान देने का कारण न बनकर उस पर अत्याचार करने का एक कारण बन जाते हैं क्योंकि उनका लोभ जो है वो समाप्त नहीं होता, उनका लालच बढ़ता जाता है और वे बिना कमाए कि दूसरे के द्वारा दी गई चीजों से अपना जीवन आराम से बिताने की इच्छा रखते हैं। तो इस कारण महिलाओं पर होने वाला अत्याचार या महिलाओं की दशा को शोचनीय कर देते हैं कि उनको घर में परिवार में वो आदर और वो प्यार नहीं मिल पाता जिसके कारण उन पर अत्याचार तक किए जाते हैं। बेमेल विवाह, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई अनपढ़ा लिखा लड़का और उसकी अनपढ़ से शादी होना कि ये भी किसका कारण है, सिर्फ दहेज प्रथा का।
तो ना चाहते हुए भी कई बार इस बेमेल विवाह के कारण कई परिवार कि अब अनपढ़ लड़की है तो वो उसका पति डॉक्टर है तो क्या वो अपने बच्चों को अपने जीवन स्तर को सही ढंग से जीने के लिए ना तो वो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगी। केवल धन की कमी नहीं होगी पर वो पति पत्नी आपस में सुखी जीवन बिताने के योग्य नहीं हो पाएंगी। तो इसका एक दुष्प्रभाव क्या है कि समाज में कई ऐसे बेमेल विवाह हो जाते हैं, या पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी लगी हुई एक अच्छी योग्य कन्या का विवाह एक अयोग्य वर के साथ कर दिया जाना, जो केवल के उसके उसके पिता ने मांग नहीं रखी, उसने विवाह के समय दहेज नहीं मांगा, तो एक पढ़ी लिखी लड़की को किसी अनपढ़ या अयोग्य व्यक्ति के साथ सारा जीवन बिताने के लिए मजबूर कर देना, ये सब ऐसे कारण हैं जो समाज को पीछे धकेलने के साथ साथ कहीं ना कहीं बेमेल विवाह का कारण भी बन जाती है। विवाह की समाप्ति, हमने पहले भी कर लिया ये पॉइंट, पारिवारिक विघटन के तलाक जब विवाह की समाप्ति के विवाह की समाप्ति कई विवाह जो है असफल हो जाते हैं तो उनका एक कारण केवल दहेज प्रथा ही है। कि आज भी जब सरकार ने कई कानून बना दिए हैं, सरकार ने 1920 के बाद 1920 के बाद दहेज विरोधी कानून बनाया हुआ है जिसके अनुसार दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है और ऐसे व्यक्ति को पकड़े जाने पर 7 साल की सजा घोषित की गई है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं दहेज प्रथा जो है अपना एक बुरा रूप लिए हमारे सामने हमारे समाज में फैली हुई है। तो जिसके कारण कई विवाह जो है वो समाप्ति का या विवाह विवाह जो है समाप्त हो जाती है। अब इसको दूर करने के उपाय क्या है, दहेज प्रथा के निवारण के उपाय, निवारण इसको कैसे खत्म किया जा रहा है। आपको मैंने बताया कि सरकार की तरफ से भी व्यवस्था है पर फिर भी सबसे पहला पॉइंट क्या है, शिक्षा। कि अगर हम लड़का या लड़की समाज में बिना किसी भेदभाव के पुरुष और महिला दोनों को बराबर मानते हुए दोनों को बराबर पढ़ने का अधिकार दे, शिक्षा का अधिकार दे, तो एक समय ऐसा आएगा कि शिक्षा या उस ज्ञान के माध्यम से वो इस बुराई को समझेंगे और दहेज लेना और देना दोनों अपराध समझते हुए वो अपने जीवन स्तर को अपने जीवन को सही ढंग से जीने के लिए दहेज के विरोध में आकर ऐसे विवाह करना स्वीकार करेंगे जिसमें दहेज लेना और दोन देना दोनों ही अपराध हो। महिला सशक्तिकरण जिसमें के वुमेन्स एम्पावरमेंट के औरतों को एक ऐसी शक्ति के योग्य बनाना, जिसका अभिप्राय क्या है कि महिलाओं को पढ़ लिख कर समाज में ऊंचा अधिकार दिलाने के योग्य बनाना। जब महिलाएं या लड़कियां जो है पढ़ लिख जाएंगी तो वो इतनी योग्य और काबिल हो जाएंगी कि आज के समाज में महिला किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही है। तो पढ़ी लिखी लड़की से शादी के लिए माता पिता को दहेज की मांग नहीं की जाएगी और महिलाएं पढ़ लिख कर अपनी शक्ति को समझ कर वो अपना परिवार चलाने के योग्य स्वयं हो जाएंगी। तो उनको उनसे दहेज जैसे भयंकर इस कुरीति से बचने के लिए उनको स्वयं प्रयास करके आगे आना पड़ेगा। थर्ड में है कानून में व्यवस्था, ये मैंने आपको अभी किया है वही के समाज में 1920 में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार 7 साल की सजा, आपकी बुक में एक और भी लिखा हुआ है बेटा ये कानून कि 1961 में 61 में कि एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके द्वारा लोगों में जन चेतना भरी जाए कि लोगों में जागृति भरी जाए कि वो अपनी योग्य कन्या का विवाह उसको स्वेच्छा से अपनी इच्छा से करने के लिए कि उसको इस बात की इच्छा हो कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो वो योग्य वर को ढूंढकर उसे शादी कर सकती है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो केवल के एक दहेज के लालच में किसी गलत व्यक्ति के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। अब सामाजिक जागरूकता, कि जब समाज में जागरूकता के लोगों में इस बात की चेतना आ जाएगी, लोगों को इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि दहेज के कारण कई परिवार तो नष्ट होते ही हैं, कई मानव जाति के लिए भी एक ये खतरनाक कार्य है जिसके कारण कई लड़कियां आत्महत्या या अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो जागरूक होने पर
प्रत्येक वर या प्रत्येक लड़का जो है वो इस बात को स्वीकार कर लेगा कि दहेज के बिना ही विवाह करना एक सामाजिक या हमारा अपना कर्तव्य है। तो वो जब ऐसी जागरूकता प्रत्येक नागरिक में आ जाएगी तो समाज जो है वो आगे तरक्की या विकास की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट, अंतरजातीय विवाह, कि ये भी एक उपाय है जिसके द्वारा दहेज प्रथा को रोका जा सकता है कि अगर अपनी जाति में, कि आप सोचते हो कि कई बार ये होता है कि हमारी जाति में जो शादी है वो दहेज के बिना हो ही नहीं सकती, तो किसी दूसरी जाति में शादी भी करने के लिए व्यक्ति को तैयार करना कि उसको ऐसी स्थिति में, कि किसी ऐसी स्थिति से बचने के लिए जिसके कारण कि बेमेल विवाह या अयोग्य वर के साथ शादी करने को तैयार करने से अच्छा है अंतर जातीय विवाह करना। किसी और जाति का है पर वो पढ़ा लिखा है, वो योग्य या शिक्षित है और वो दहेज के खिलाफ है, तो ऐसे विवाह भी समाज को स्वीकार करने पड़ेंगे, तभी हम दहेज प्रथा के इस भयंकर सांप को समाप्त करने का कार्य कर सकते हैं। लास्ट में उपसहार, के दहेज जैसे दानव से मुक्ति पाने के लिए समाज को या प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होकर स्वयं प्रयास करने के लिए आगे आना पड़ेगा कि विवाह पर जो बेमतलब का खर्च जो है उसको भी समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर विवाह पर बढ़ चढ़ कर खर्च करता है तो दूसरा व्यक्ति भी दिखावे के कारण वैसा ही खर्च करने को उत्सुक हो जाता है और जिसके अभाव में कई बार वो लालच में आकर दूसरे से पैसा लेना या दूसरे से वस्तु या सामान मांगने की इच्छा रखता है। तो ऐसी कुरीतियों को समाज से दूर करके हम अपना योगदान समाज में दे सकते हैं और इस तरह हम दहेज जैसे बुरी कुरीति से हमेशा के लिए बचे रह सकते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं, कि अलग अलग अर्थ बताने वाले पर्यायवाची शब्द जो हैं वो एक समान अर्थ देने वाले होते हैं। इनका एक अर्थ पर्यायवाची होता है और दूसरा अलग अर्थ दिखाना। अब जो शब्द दिया हुआ है तो ये कपूर आग जलाने के लिए, हवन में काम कार्य करने के लिए, शंख जो मंदिर में प्रयोग होता है, तो कमल एक फूल का नाम, चंद्रमा चांद, चारों चीजें अलग अलग, ये पर्यायवाची नहीं अनेकार्थी जिसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। अब जो शब्द जब हम कहते हैं तो हम इन चारों चीजों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये वाक्य में अगर आपको वाक्य बनाना आ जाए तो वाक्य बनाकर आप किसी भी एक शब्द को क्लियर कर सकते हो। अब सबसे फर्स्ट है अंक। अंक बेटा कई शब्द ऐसे हैं जो आपने सेवंथ में भी किए हुए हैं। अंक, गोद, अक्षर, गिनती, चिन्ह या भाव। मान लो आपको पेपर में आ जाता है कि अंक शब्द के दो अनेकार्थी वाक्य बनाए, तो माँ के अंक में बेटा आराम से सो रहा था, तो ये क्लियर हो जाएगा। आप अंक लिखोगे, वाक्य लिख दिया, हमें क्लियर हो जाता है कि आप गोद की बात करते हो। नेक्स्ट है अक्षर, कि प्रत्येक शब्द में कई अंक आते हैं, तो अक्षर। या गिनती लिख रहे हो कि संख्या का सही अंक लिखने पर ही सवाल हल किया जा सकता है, तो अंक, गिनती या संख्या। सेकंड है अर्थ। अर्थ धन, अभिप्राय, कारण, कि क्या अर्थ है, प्रयोजन, प्रयोजन के इस बात का क्या प्रयोजन है, कि आप क्या कहना चाहते हो, अर्थ। अंबर, अब एक का अर्थ है पर्यायवाची शब्द आकाश, पर दूसरा अंबर वस्त्र या कपड़ा, दोनों में से एक लिखोगे आप। अगम, अगम न जाने योग्य, जहां पर जाया ना जा सके, न चलने योग्य, कि वह बूढ़ा अगम होने के कारण अपने स्थान तक न पहुंच सका, कि वो चल नहीं पा रहा था। दुर्गम, कठिन, सुदृढ़, मुश्किल। अज, दशरथ के पिता को भी कहते हैं। ब्रह्मा, बकरा या जो पैदा ना हुआ हो। बेटा आपको कम से कम दो शब्द जरूर आने चाहिए क्योंकि वाक्य भी आ सकती है। अग्र, आगे का सिरा, पहले या श्रेष्ठ। अर्क, सूर्य, सूर्य को अर्क दे दो। जब हम कहते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है,
कि सूर्य को जल देना रविवार या रस रस के उस पौधे का अर्क बहुत स्वादिष्ट था कि पौधे का रस जो निकाला जाता है। आगम 1-15 है ये आपके सिलेबस में, पेज नंबर 163, 1 से लेकर 15 तक। आराम, बगीचा, विश्राम और शांति। अपेक्षा, आशा, किसी से कुछ अपेक्षा रखना, उम्मीद रखना। तुलना, उसकी राम की अपेक्षा शाम जल्दी काम करता है, तो कंपैरिजन करना। अक्षर, वर्ण, आत्मा, नष्ट न होने वाला, गगन या ब्रह्म। अग, अपवित्र, पाप, पापी, दुख, दुष्ट या दुष्कर्म। अवकाश, छुट्टी, अवसर, स्थान, फासला या गुंजाइश आदि। प्रारंभ या आरंभ भी लिख सकते हो, वगैरह। अच्छा, सुंदर, उचित या सकुशल। हाँ जी, इसी के साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश आपको पता है कि जब हम किसी बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन में पूरी तरह से अधिक शब्दों में ना कहकर कम शब्दों में कह दे। देश के सभी नागरिक मत देने का अधिकार रखते हैं। जब हम नागरिक कह देते हैं तो सभी नगर में रहने वाले, गांव में रहने वाले सभी नागरिक जो भी सिटीजन है देश के। तो ऐसे ही जिसकी सीमा ना हो असीम, जो सहने योग्य ना हो असहनीय, दोपहर के बाद का समय, अपराहन। नेक्स्ट, अपनी हत्या करने वाला। बेटा इसको पहले अंडरलाइन कर लो, 1 से लेकर 20 तक। अपनी हत्या करने वाला, आत्मघाती, जो अपनी हत्या खुद कर लेता है। जो सहन ना हो सके असहनीय, जिसका अंत ना हो अनंत। संपूर्ण संसार के स्वामी अखिलेश्वर, ईश्वर को भी कहा जाता है कि अखिलेश्वर प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करती हैं, कि जो सारे संसार के स्वामी हैं ईश्वर। जिसकी गिनती ना हो अनगिनत या अगणित, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। पीछे चलने वाली, अनुगामिनी, पत्नी पति की अनुगामिनी होती है। अनुगामिनी कि उसके, ये नहीं कि उसके पीछे पीछे चलती है, वो उसकी बातों को कि उसकी बातों को स्वीकार करके परिवार को चलाने के लिए दोनों का बराबर में जो योगदान होता है, उस कारण कहा जाता है कि अनुगामिनी। ये नहीं कि अब आप सोचो कि लड़कियों की वैल्यू ही नहीं है, तो पत्नी तो सिर्फ पति के पीछे चलने का कार्य ही करती है कि बात को स्वीकार करके बराबर सम्मान देते हुए कार्य करना। नेक्स्ट, जो भविष्य में आने वाला हो, आगे आने वाले समय में, आगामी। 6 भाग में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक, जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। नेक्स्ट है, जो प्राप्त ना हो सके, अलभ्य, जो हमें कहीं से भी प्राप्त नहीं हो सकता, जिसको ढूंढा नहीं जा सकता। अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर, जिसकी आयु छोटी हो, अल्पायु। कई वर्ड आपने 7th में किए हुए हैं, वो वैसे ही याद रखना, ये नहीं कि उनको चेंज कर देना। जो जीता ना जा सके, अजय, जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य। अब इस समय कोरोना एक असाध्य बीमारी बन गया है, जिसका इलाज नहीं है, जैसा पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। उद्योग से संबंधित, औद्योगिक, द के साथ हलचिन, अचानक घटने वाली घटना, आकस्मिक, कि जो अचानक से, आकस्मिक मुझे मेरा मित्र कल बाजार में मिल गया, कि कुछ भी ऐसा जो अचानक